हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सभी ये जो एसके झा जो है सर हैं, इन्हीं के बुक से लिया गया है। और ये सेट 58 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 57 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉल पेन हैमर का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो बॉल पेन हैमर का फेस चपटा तथा पेन बॉल के समान गोल होता है। इस हैमर का प्रयोग मार्किंग, चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है तथा कील को फैलाकर शीर्ष बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलिए बनाने के लिए, सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। अगला है, स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग धातु को फैलाने के लिए सीट के जॉब्स में चैनल और नलिए बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, स्लेज हैमर का प्रयोग मुख्यतः बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब जो होता है उसमें नलिए बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रेट पेन हैमर का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो सीट के जॉब में नलिए बनाने के लिए स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इस हैमर का प्रयोग धातु को फैलाने तथा सीट के जॉब्स में नलिए बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला है, इस हैमर का फेस चपटा होता है तथा समतल सतह का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये जो प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न है स्लेज हैमर के बारे में। अब जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लेज हैमर के हैंडल की जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है, स्लेज हैमर तौल में 2 से 10 केजी तक पाए जाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न है। अगला है, स्लेज हैमर का प्रयोग लोहारों द्वारा बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। अगला है, स्लेज हैमर को घन भी कहा जाता है। अगला है, बॉल पेन हैमर के दस्ते की जो लंबाई है वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंच वाइस का हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला है, वाइस के हैंडल की लंबाई वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना होता है। अगला है, बेंच वाइस का साइज इसके जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। अगला है,
BIS के अनुसार यह 75 से 150 mm तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो क्रैंक, किनारे फट जाना, जो आपका खुल जाना। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने या ढीला करने के लिए स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कार्य करते समय स्पिनर में निम्न प्रकार के दोष आ जाते हैं, कौन कौन सा आ जाता है? तो पहला है क्रैंक, अगला है जॉब का खुल जाना, अगला है जॉब का खराब होना या गोलाई में बन जाना, अगला है किनारे फट जाना, अगला है हेक्सागन का खराब होना या गोलाई में हो जाना या फिर गोलाई में बन जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों से, यानी कि शैंक की लंबाई से भी और टिप की चौड़ाई से भी। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पेचकस की साइज जो है वो शैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। अगला है, पेचकस का शैंक प्रायः कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है। अगला है, पेचकस के तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा होता है? एक हैंडल होता है, एक शैंक होता है, एक ब्लेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कारीगर के केहूनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। और ये जो प्रश्न जो है वो 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो बेंच वाइस की ऊंचाई है जब बेंच वाइस का ऊपरी फेस कार्य करने वाले श्रमिक की कुहनी के बराबर होता है, जबकि श्रमिक बाजू को मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। अगला है, वाइस के बेस के नीचे लकड़ी का पैकिंग लगाकर तथा अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ वॉइस फिक्सर प्रयोग करके बेंच वॉइस की ऊंचाई को समायोजित किया जाता है। अगला है, बेंच वॉइस भी एक प्रकार का फिक्सचर है। अगला है, बेंच वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं, जिसको प्रायः बेंच पर फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैमर की बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे पर फेस और बीच में आई होल बना होता है, जिसमें एक हैंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए लगाया जाता है तथा चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। अगला है, हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है, प्रायः हिकड़ी वुड, अकारिया, बिना गांठ वाली का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन होता है और झटके को सहन कर लेती है। अगला है, हैमर के हैंडल की जो लंबाई होती है वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हैमर का स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 49 से 56 HRC होता
होनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस 49 से 56 HRC होनी चाहिए। अगला है रॉकवेल सी स्केल की संक्षिप्त रूप में HRC मतलब हार्डनेस रॉकवेल सी, जबकि रॉकवेल बी स्केल को HRB कहा जाता है। अगला है जैसे किसी बहुत हार्ड स्टील की हार्डनेस 64 HRC हो सकती है, जबकि बहुत मुलायम स्टील की हार्डनेस 70 HRB हो सकती है। अगला है जिस वस्तु का HRC जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ज़्यादा कठोर होगी, तथा जिस वस्तु का HRB जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही मुलायम होगी। यानी कि अगर HRB अधिक होगा तो वस्तु मुलायम होगा, और HRC अधिक होगा तो वस्तु हार्ड होगा यानी कि कठोर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सेट स्पैनर। और ये जो प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सेट स्पैनर के सिरे खुले रहते हैं जिनके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला है सेट स्पिनर का प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। अगला है सिंगल एंडेड स्पिनर का एक ही मुंह होता है जो कि एक निश्चित साइज में बना होता है। अगला है रिंग स्पिनर के सिरों में सुराख होते हैं और उनमें प्रायः 12 नोचस बने होते हैं और यह 30 डिग्री के कोण में मुड़ा होता है। अगला है सॉकेट स्पिनर ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर की तरह का होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।